गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा साइंस के लिए बनाई गई वर्कशीट नंबर 13 जो आपको 3 अगस्त 2020 को प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट और क्लास टीचर का नाम लिखना है, उसके बाद आप हमारा आज का विषय है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आवर टुडेज टॉपिक इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इन आवर प्रीवियस वर्कशीट वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट व्हाट आर द एटम्स एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। एटम्स आर supposed to be the smallest unit that is very small and significant that we can only compare or measure their size in nanometers. Okay, so आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो है यहाँ पर है जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है। जिज्ञासा दीदी, if size of an atom is so small and insignificant that we cannot see them, then why should we think and care about them? मतलब वो पूछ रहा है कि साइज जो है एटम्स का या परमाणुओं का इतना ज्यादा कम है और इतना मतलब इनसिग्निफिकेंट, इतनी कम महत्व अगर वो रखता है तो हम उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं, तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आगे जिज्ञासा दीदी आंसर देती है, ज्ञान इट इज बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। ये ज्ञान ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो सब के सब एटम्स से बनी हैं। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हाँ हम उन्हें देखने में सक्षम नहीं है, बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, लेकिन वो हमारे आस पास है और हमें लगातार प्रभावित कर रहे हैं। There was a scientist named John Dalton. एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था John Dalton, who provided the basic theory about the nature of matter. जिन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में एक बेसिक थ्योरी, एक मूलभूत अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। This theory was based on the laws of chemical combination. और ये जो थ्योरी है वो किसके ऊपर आधारित है, केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। केमिकल कॉम्बिनेशन जो है उसके नियमों पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो सारा का सारा हमारे आसपास पदार्थ है, चाहे वो तत्व एलिमेंट है, चाहे वो कंपाउंड है यानी कि यौगिक है, चाहे वो मिक्सचर यानी कि आपका मिक्सर जो है वो है, तो वो सब क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से बना है, चाहे वो मिश्रण है, कंपाउंड है, तत्व है, कुछ भी है। तो उस तत्वों को हम क्या, उस कणों को हम क्या बोलते हैं, उन कणों को हम बोलते हैं एटम्स दोस्तों। तो आगे चलते हैं, देखिए John Dalton ने थ्योरी में क्या लिखा है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। पहला बिंदु यहां पर दिया गया है, कुल मिला के 6 बिंदु दोस्तों। तो पहला मैं फटाफट पढ़ देता हूं आपके लिए। ऑल मैटर यानी कि सब पदार्थ, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। वो है बहुत छोटे छोटे कणों से, पार्टिकल्स से बना है स्टूडेंट्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। एटम्स जो है यानी कि आपके परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ की सबसे मूलभूत या बेसिक यूनिट है। That participate in chemical reaction, जो कि रासायनिक क्रियाओं में, रासायनिक आपकी जो reactions है, chemical reactions है, उनमें participate लेते हैं। कौन लेता है, atoms लेते हैं, किसी भी matter के atoms जो होते हैं। दूसरा बिंदु है, atoms are indivisible particles. Indivisible means you cannot separate them, you cannot break them into small pieces or you cannot chain up them further. Okay. Which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. It means you cannot even create an atom, you cannot even destroy an atom in chemical reaction. जब आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं तो ना तो आप किसी एटम को बना सकते हैं दोस्तों, ना उसको नष्ट कर सकते हैं। तो अगला वाला देखते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट और कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन साइज। ये इज लिखा है लेकिन यहाँ पर इन आएगा, इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप कोई भी, आपको किसी भी परमाणु के बारे में बात करें तो जैसे आप तत्व की बात करते हैं और जैसे आप यौगिक यानी कंपाउंड की बात करते हैं, चाहे एलिमेंट की हम बात करें चाहे हम कंपाउंड की बात करें, तो उनमें जो एटम्स होते हैं उन सब का साइज, उन सब का मास और उन सब का केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिकल होती है, यानी कि एक जैसी ही होती है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 4 इज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
सपोज अगर मैं बात करता हूँ वी आर हैविंग इन वन हैंड वी आर हैविंग ऑक्सीजन एटम, इन अदर हैंड आई एम हैविंग हाइड्रोजन एटम, तो एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ऑक्सीजन है। अगर हम बात करें कि उनका उनके द्वारा जो एलिमेंट यानी कि उनके द्वारा तत्व तो बनेंगे उनका डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ऑक्सीजन को बनाने के लिए ऑक्सीजन के एटम यूज करूंगा, हाइड्रोजन को बनाने के लिए हाइड्रोजन के एटम मैं अगर यूज करूंगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिफरेंट मास मास भी अलग होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि उनके रासायनिक जो गुण है वो भी अलग अलग होंगे। पांचवा पॉइंट है स्टूडेंट्स, एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, हमें कंपाउंड का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एटम्स चाहिए, तो एटम्स को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, लेकिन किस में दोस्तों, फिक्स रेशियो। ये हमारा पिछले क्लास के अंदर एक नियम भी था, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, एंड सेकेंड लॉ जो था वो था हमारा कि अनुपात भी जो है वो स्थिर अनुपात में रहता है, यानी कि लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर किसी भी कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो उसके निर्माण के लिए जो हम एटम्स का प्रयोग करेंगे वो उनकी रेशियो फिक्स रहेगी। जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आप 1:8 में यूज करते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को, तो उसके बाद फिक्स रेशियो तो आपको समझ में आ गई क्योंकि 1:1 होगा वो फिक्स रहेगा। उसके बाद होल नंबर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो होल नंबर्स का मतलब हम किसी भी परमाणु को किसी भी एटम को कभी भी फ्रैक्शन में यूज नहीं कर सकते। आप अगर परमाणु को ले रहे हो तो एज अ होल यूनिट ले रहे हो, उसके फ्रैक्शंस उसके पार्ट्स आप नहीं ले सकते, ओके, क्योंकि हम एटम को डिवाइड कर ही नहीं सकते, एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। सिक्स पॉइंट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। सपोज अगर मैं बात करूं, मैं हम पानी का निर्माण करें, वी आर मेकिंग वाटर, वाटर फॉर मेकिंग वाटर वी नीड ऑक्सीजन एंड वी नीड हाइड्रोजन, इफ वी विल कंटिन्यू टू मेक वाटर देन वी नीड अ रिलेटिव नंबर दैट विल बी फिक्स्ड कि हाइड्रोजन के इतने एटम चाहिए और ऑक्सीजन के इतने एटम चाहिए और पानी का हम निर्माण कर देंगे। एंड काइंड्स ऑफ एटम, और जो पानी का निर्माण हमें करना है, काइंड्स ऑफ एटम का मतलब काइंड्स ऑफ एटम भी कॉन्स्टेंट होते हैं, जैसे पानी का निर्माण करना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चाहिए, नाइट्रोजन वहां पर काम नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेट अस आंसर दीज क्वेश्चंस। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बी पार्ट इज एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल और फिजिकल। यस, केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स। सी पार्ट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल, व्हाट वॉज द नेम, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके। नेक्स्ट वन इज इन केमिकल रिएक्शन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स हम उन्हें बना भी नहीं सकते और उन्हें डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 3 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विद एग्जाम्पल। देखिए मैंने आपको दो नीचे वाले एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, 6 में से आपको 2 में मैंने अभी नीचे बताया था कि जैसे अगर मान लो फिफ्थ वाले पॉइंट को लिखो तो फिक्स रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स होगा कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स का, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पानी का निर्माण करने के लिए रेशियो क्या होगा 1:8। उसके बाद रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम यानी कि पानी का निर्माण करने के लिए हमें कौन सा चाहिए, हमें हाइड्रोजन चाहिए और हमें ऑक्सीजन चाहिए, वहां पर हम उसके अलावा किसी भी एटम का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम देखो अगर हम बात करते हैं एक एटम एक एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन, तो अगर मान लो हम बात करते हैं हाइड्रोजन के एलिमेंट के बारे में तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम है उनका मास डिफरेंट होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, किसकी कंपैरिजन में, ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स की कंपैरिजन में, ओके। तो ये 3 आप ऐसे आप क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट हमेशा पढ़ता हूं दोस्तों, और आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको तुरंत सॉल्व करूंगा अपनी अगली वीडियो में, या फिर आपको कोई ना कोई लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा। और एक अंतिम बात जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे पिछले हर एक वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो अगर मान लो आप में से किसी भी स्टूडेंट ने, आपके किसी भी साथी, आपके किसी भी फ्रेंड ने ये सब जो पीछे वाली आपकी वर्कशीट है वो अगर कंप्लीट नहीं की है तो आप उनको लिंक सेंड कर सकते हैं और अपना खुद का कार्य भी पूरा कर सकते हैं। अंत में ये बोलना चाहूंगा दोस्तों,
कि आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए और अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान कीजिए। और इस कठिन स्थिति में, इन दिस सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक वेयर द कंट्री इज हिट वेरी वर्स बाय द पेंडेमिक, वी शुड कीप एट आवर होम। सो आई विल एंड माई वीडियो, और वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी हेल्दी फूड, एंड जय हिंद जय भारत दोस्तों।